रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइलिश से जो है क्रॉचेट के शूज़ लेकर आई हूँ। और जो स्टाइलिश से आज आप लोगों के लिए आज मैं क्रॉचेट के शूज़ लेकर आई हूँ। आप लोग चाहे बड़े बड़ों का बना लें, आप लोग चाहते हैं तो बच्चों का बना लें, छोटे आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइलिश क्रॉचेट है, जैसे कि अगर आप लोग बनवाना हो या अगर आप लोगों को क्रॉचेट का काम आता है, क्रोशिया का काम आता है, आप लोगों की फैमिली में किसी को आता है, दूर दराज को रिश्तेदार जिसको क्रॉचेट का काम आता है, बहुत ही खूबसूरत वो काम करते हैं, तो आप लोग उनसे ही बनवा सकते हैं। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश से ये जो क्रॉचेट के आइडियाज़ हैं, बड़ों के लिए भी हैं, छोटों के लिए भी हैं। आप लोगों को अपने लिए बनवाना है तो अपने लिए बनवा लें, या अपने बेबी के लिए बनाना है। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके शूज़ वगैरह नहीं मिल पाते तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। जैसे जाहिर सी बात है, शूज़ तो शूज़ होते हैं, आप बच्चों को पहनाएं या छोटो खुद पहने, तो स्टाइल तो फैशन तो पूरे करने ही होते हैं। तो आप लोग जो है बनवा सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है ये क्रॉचेट के शूज़। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ क्लास में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन क्लास में क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाती है व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडियाज़ हैं। आप मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरे आइडियाज़ पसंद ही आते होंगे और जो है मुझे बताया करें, ताकि अगर आप लोगों को पसंद नहीं भी आते हैं तो शायद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप कोशिश करूं कि मेरे आइडियाज़ अच्छे हों और जो है आप लोगों की सही से हेल्प हो जाए, आप लोगों को मदद मिल जाए कि आप लोगों को किस तरह के आइडियाज़, किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं। आप लोग जैसे हम लोग अपने रूम में कारपेट करते हैं, तो हम लोग बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रूम के लिए अलग से जो है शूज़ रखते हैं, वो मतलब कमरे में पहन के फिरते हैं। सब बाज़ों के जो होते हैं पाँव वगैरह फटे हुए होते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो रही होती है, तो उनको कारपेट बहुत ज़्यादा चुभ रहा होता है। तो आप लोग जो है क्रॉचेट के लेकर, क्रॉचेट के अंदर कोई भी प्लास्टिक पैनल्स जैसे होते हैं, आप लोग स्टिकर्स लगा कर वो पहन सकते हैं शूज़। एक तो क्रॉचेट सॉफ्ट होती है, ये तो है कि आप लोग क्रॉचेट के साथ जो धागा है उससे आपकी स्किन लगेगी, लेकिन आप उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ लगा लें कि आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, तो आप लोग ये कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडियाज़ हैं। और जो है आप लोग शूज़ आप लोग बाहर पहन के जा सकते हैं, आप लोग क्रॉचेट का वो लेकर बनवा सकते हैं शूज़ अपना, और नीचे से वही प्लास्टिक लगवा लें जो रियल शूज़ के नीचे लगी हुई होती है। तो मेरी वीडियो ख़त्म होने वाली है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।